अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको ये चीज़ें सामने नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ फर्स्ट स्टैम्प हार्ट शेप ज्वेलरी बॉक्स। ये मैं फर्स्ट स्टैम्प बना रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि ये एक डिफरेंट थोड़ा सा इसको मैं डिज़ाइन दे सकूँ जो कि दिखने में बहुत प्यारा लगे। अच्छा जी, मैंने ले लिया है एक हार्ट शेप मोल्ड, रेजिन और हार्डनर को मैंने एक सांचे में डाल लिया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट चलाई हुई है, लेकिन ये मैं बहुत ही आस्ता आस्ता इनको मिक्स कर रही हूँ, समझ ले 1 की स्पीड पे। अच्छा, रेजिन मैंने लिया है 50 ml और हार्डनर मैंने लिया है 25 ml। तकरीबन ये टोटल बना है 75 ml। ज्वेलरी बॉक्स में दो कलर में बना रही हूँ, जिसके लिए मैं अब रेजिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। जल्दी से जाएं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। रेजिन को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब मैं एक हिस्से में यानी कि एक सांचे में मैं ब्लैक कलर डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट रहे मेरा ज्वेलरी बॉक्स, जिसके लिए मैंने ब्लैक कलर 2 ड्रॉप डाला है। अब मैं ऐड कर रही हूँ रेड कलर, ये भी मैंने 2 ड्रॉप लिया है। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। मिक्स मैंने बिल्कुल आस्ता आस्ता करना है, समझो 1 की स्पीड पे मिक्स करना है। और ये भी मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कलर नहीं डाला। अच्छा, सर्दियों में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस कमरे में ये बना रहे हूँ उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो। 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो समझें जेलिनुमा बनेगा अगर उसका टेम्परेचर रूम का ठीक ना हुआ। दूसरा ये है कि ये सूखने में काफ़ी दिन ले सकता है। एक पार्ट पे मैंने गोल्डन फ्लेक्स ऐड किए हैं। इन तीनों हिस्सों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। आग की मदद से मैं बबल्स रिमूव कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, ज्वेलरी बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ रेड कलर। अब मैं ले रही हूँ गोल्डन फ्लेक्स ट्रांसपेरेंट कलर। यहाँ पर मैं आपके साथ सबसे ज़रूरी बात शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप कुछ बनाने लगें, जो आपका सांचा होता है उसको 2-3 दफ़ा लाजमी उठा के टेबल पे रखें, मतलब कि डैब डैब करें। उससे ये होता है जो आपने रेजिन डाली होती है वो आपके सांचे के कोने कोने तक जा पहुँचती है। अगर ये ना पहुँचे तो वहाँ पे आपका ऐसे होगा, प्रोडक्ट में बबल्स बन जाएंगे और जब आप अनमोल्ड करेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पर मैं बबल्स रिमूव कर रही हूँ। मैंने कोशिश की है थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊँ। मुझे उम्मीद है ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ज़रूर आपको समझ लगी होगी। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ इन्हीं कलर्स में अल्फ़ाबेट की चेन। मैं रेजिन की तमाम चीज़ें अमेजोन से लेती हूँ। आप जिस कंट्री में भी हैं, गूगल पे जाएं, सर्च करें, बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। इतनी वीडियो देख ली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मेरे चैनल पर ट्रैवल और आर्ट की वीडियो मिलेंगी। रेजिन और हार्डनर का टोटल मिक्सचर 75 ml लिया था, जिनमें से मैंने एक की चैन बनानी थी और ज्वेलरी बॉक्स बनाना था। थोड़ा सा रेजिन बच गया था, उसका मैंने एयररिंग्स बना दिए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना चाहिए, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। दिसंबर का महीना है, रूम का टेम्परेचर गर्म नहीं था, जिसकी वजह से मेरा भी प्रोडक्ट लेट बना है। आज इसका चौथा दिन है, 4 दिन के बाद मैं इसको अनमोल्ड कर रही हूँ। जब ज्वेलरी बॉक्स को सांचे से निकाला तो मुझे ये सिंपल लगा। मैंने थोड़ा सा रेजिन लिया और थोड़े से गोल्डन फ्लेक्स लिए, उनको अच्छी तरीके से मिक्स करके स्टिक की मदद से बारीक बारीक इसके ऊपर लेयर लगाई बॉक्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। जाते जाते एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।